हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मैक ग्लिटर के रिव्यू, और ये 24 शेड हैं, मैक के ग्लिटर्स हैं। आपके सामने ही इसकी पैकेजिंग है और मैं आपके सामने ही ये ओपन करूँगी। मैंने भी पहले इसको चेक नहीं किया, पीछे से बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि कुछ इस तरह है। मैक फैशन कलर के नाम से ये ग्लिटर हैं और यूँ ही इसकी पैकेजिंग है सिंपल, और एक ही बॉक्स के अंदर ये 24 शेड हैं। तो चले हम इसे ओपन करते हैं और ख़ूबसूरत से ये शेड देखते हैं। और इसके मैंने टैप उतार दिए और ये बॉक्स खोला। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इतने प्यारे कलर, इतने प्यारे शेड हैं ये, और दिल ही नहीं चाह रहा कि इसको मतलब कुछ किया जाए। और ये देखें, मैक इसके ऊपर मेंशन है, मैक फैशन कलर हर ग्लिटर के ऊपर ये मौजूद है इसके ढक्कन पर। और जो है ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने खूबसूरत से ये शेड हैं। हर शेड अपनी जगह बहुत प्यारा है। और ये सी ग्रीन शेड देखें आप, इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी और सर्च करके भी दिखाऊंगी। आप वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट देखेगा, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी इन ग्लिटर्स के बारे में। यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि ये मैक फैशन कलर हर ग्लिटर के कैप के ऊपर मौजूद है और इसके कितने खूबसूरत से कलर हैं। मुझे तो बेइंतहा ही अच्छे लग रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी सर्च करके भी। और आप देखें, ये आपको मैं बताती चलूँ कि ये प्रेस ग्लिटर हैं, ठीक है। इसको हमें चिपकाने के लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं। और ये देखें, ये इसका ब्लू कलर है, वो कितना खूबसूरत और प्यारा है। इसको किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट कि आपकी फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से डायरेक्ट ही ये जो है आपकी आईज पे स्टिक कर देंगे। और ये इसका सी ग्रीन चेक करें, कितना खूबसूरत ये शेड है। प्रेस ग्लिटर हैं ये, और बहुत ही आसानी के साथ, फिंगर से ज़्यादा आसानी के साथ ये आपकी आईज पे स्टिक हो जाएगा। जब आप आईज मेकअप करेंगे तो फिंगर से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका रेड शेड देख लें आप, कितना हसीन है ये रेड शेड भी। और इसके बाद जो है ये गोल्डन कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, गोल्डन कलर ज़्यादातर ब्राइड्स पे यूज़ होता है और बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये इसका ऑरेंज कलर है। अगर आप कॉपर कलर का आई शेड लगाएँ, उसके ऊपर ये ऑरेंज ग्लिटर लगाएं, तो इतना प्यारा ये लुक देगा, बहुत ही अच्छा। ये सारे शेड ये देखें, एक शेड ये है पीच कलर का, कितना प्यारा है ये ग्लिटर पीच कलर का। सॉफ्ट लुक मेकअप में या पार्टी मेकअप में आप यूज़ करें, इतना प्यारा लगेगा ये कलर। ये सारे ग्लिटर्स आपके सामने हैं, वन बाय वन मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगी। और ये यहाँ मैं रख रही हूँ, नीचे रख के दिखा रही हूँ। ये इसका मुझे मल्टी शेड नज़र आया, ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। पर्सनली मुझे मल्टी ग्लिटर बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर मल्टी ग्लिटर यूज़ करती हूँ और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। इस बहुत ही प्यारा ये ग्लिटर है, आप इसको सर्च करूँगी तो आप देखिएगा वन बाय वन ये सारे कलर देखें। अच्छा, इसमें आपको कुछ कलर्स ग्रीन के शेड दिख रहे होंगे ज़्यादा, या पर्पल के दो तीन शेड दिख रहे होंगे, तो ये इन सब में फ़र्क है। कुछ लाइट हैं, कुछ डार्क हैं, सब एक जैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। सिल्वर के कुछ कैटेगरीज के शेड दिख रहे होंगे आपको, ग्रीन के दो चार शेड दिख रहे होंगे, ये इन सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। कुछ ज़्यादा ग्लिटर डार्क कलर के हैं, कुछ लाइट कलर के हैं, तो ये हर ग्लिटर अलग है, हर ग्लिटर का अपना अलग ही लुक है। तो अभी मैं आपको ये ऑरेंज सा शेड जो है और मैं स्वेच करके आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी पिगमेंट चेक करें। और ये इस तरह हमने फिंगर पे लेना है और जहाँ पर हमने आई शेड अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर हमने ये अप्लाई करना है। अभी तो ये जस्ट मैं ऐसे ही अप्लाई करके बता रही हूँ आपको, देखें इसकी पिगमेंट और इतना शिमरी है ये। जब आप आई शेड के ऊपर ये यूज़ करेंगी, मतलब किसी भी कलर का आप आई शेड, ज़्यादातर कॉपर कलर का आई शेड इस गोल्डन ऑरेंज ग्लिटर के नीचे, आप अगर कॉपर कलर का आई शेड लगाएँ और देन फिर आप ये ग्लिटर लगाएं ऑरेंज कलर का, तो इतना प्यारा ये लुक आएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ये करके दिखाऊंगी, ये कॉपर लगाकर उसके ऊपर ये ऑरेंज शेड ग्लिटर लगाकर आपको दिखाऊंगी, और इसकी लुक और उसकी लुक दोनों चेक कराऊंगी। तो आप खुद ही डिसाइड कर लें कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें आई शेड के ऊपर ही लगाना होता है, डायरेक्ट तो हम ग्लिटर नहीं अप्लाई करते। तो ये आप इसकी लुक देखें। और एक और मैं कलर आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे सिल्वर थोड़ा पसंद आ रहा है, तो इस पर भी मैं आपको स्वेच करके दिखा देती हूँ। ये देख लें आप करीब से, ये सिल्वर कलर का ग्लिटर है और इसको भी हमने इस तरह फिंगर पे लेकर और आप अपने हैंड पे या आईज पे अप्लाई करें। ये देखें इसका स्वेच, देखें आप ज़रा करीब से ही मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत ये मतलब लग रहा है कि
बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है ये मुझे तो। यहाँ से थोड़ी मेरी वीडियो स्किप हो गई थी जब मैंने ये कॉपर कलर का आई शेड यूज़ किया था, उसमें कोई मसला नहीं है। आपने किसी भी आई शेडो पैलेट से कॉपर कलर का शेड अप्लाई करना और देन ये आपको मैं प्रेस ग्लिटर ऑरेंज कलर का इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो आप दोनों में लुक देख लें, देखें कितना डिफरेंट है और कितना खूबसूरत ये शेड के साथ आ रहा है, और जबकि वैसे लगाया है तो वो मज़ा नहीं आ रहा, वो लुक नहीं आ रही। पर मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे भी किया था और काफ़ी देर मैंने करके रखा हुआ था, तो कहीं ये ग्लिटर उतर तो नहीं जाते, और काफ़ी देर बाद भी ये ग्लिटर अपनी जगह फिक्स ही थे। और अगर आप इसको और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती हैं तो आप मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। आप जब आई शेड इस्तेमाल कर लें तो आईज़ को बंद करा के हल्का सा स्प्रे कर दें मेकअप फिक्सर का, तो इससे भी आपके जो हैं ये ग्लिटर फिक्स हो जाएंगे एकदम। वैसे तो ऐसे भी फिक्स हैं, लेकिन आप वैसे भी कर सकती हैं अगर आपको डाउट लगे तो। इस तरह ये सारे शेड हैं आपके सामने। हाँ, सारे तो सर्च करके आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर आपको सारे सर्च करके देखने हैं तो मेरी यूट्यूब के चैनल पर जाकर शॉर्ट वीडियो देख लें, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने सारे वन बाय वन सर्च करके दिखाए हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। ये देखें ब्लैक शेड भी है इसमें ग्लिटर का, और यहाँ पर मैं मल्टी शेड आपको फिर सर्च करके दिखाऊँगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मैंने नहीं करके दिखाया सर्च, तो ये मैं आपको लाजमी करके दिखाऊँगी, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसका सर्च भी आप देख लें। ये इसकी पिगमेंट है, और अब जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो इसका सर्च देखें आप, ये देखें यहाँ पर ये ज़बरदस्त, देखें कितना प्यारा शेड है ये। आप किसी भी ड्रेस के साथ ये ग्लिटर लगा लें, आपके हर ड्रेस के साथ ये मल्टी ग्लिटर बहुत बेइंतहा का उठने वाला है। तो ये सारे शेड देखें, ब्लैक है इसमें, कॉपर है, गोल्डन है, और बहुत सारे ग्रीन के शेड हैं, और ऑरेंज कलर है, पर्पल के शेड्स हैं कुछ, और सिल्वर के शेड भी हैं इसमें, कॉपर सा शेड भी है, ब्राउन शेड भी है, और जो है इसमें मेहरून शेड भी है, स्काई ब्लू, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे शेड हैं, ब्लू शेड भी है इसमें, अनगिनत आप देख लें इसमें पूरे 24 जो हैं शेड हैं इसमें, और 24 शेड के सारे अच्छे हैं। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर मैं आपको इसको करीब से दिखा लेती हूँ, ये देखें आप इसके स्वेचेस देखें कितने ज़बरदस्त हैं ये, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि ये 24 शेड मैक के फैशन कलर के ग्लिटर्स मुझे जो है वो 1800 में मिले थे, ऑनलाइन बाय किए थे मैंने, और 200 इसकी डिलीवरी चार्जेस थी, तो 2000 में ये मुझे पार्सल रिसीव हो गया था। आप चाहें तो किसी भी मार्केट से या शॉप से बाय कर सकती हैं, हो सकता है आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाए, बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाते हैं। अगर आप पार्लर रन कर रही हैं तो आप ये ग्लिटर लाजमी लेके रखें, इससे आपके बहुत से ब्राइडल लुक और पार्टी लुक निकल आते हैं, तो ये इतना आपका एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। सिंपल सी मेहंदी मैंने अपने हाथ पे खुद अप्लाई की है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड कर दूँगी। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट भी किया करें। आप मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।